हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे कक्षा 9वीं की गणित और इसमें हम प्रश्न बैंकों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं अध्याय 9 का प्रश्न नंबर 8वां। और अध्याय 9 के इसके पहले दो पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें हमने इसके पहले के प्रश्नों को करा था, तो यदि आपने वो नहीं देखे हो तो चैनल पर देख सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, दी गई आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है और BE समांतर है। ऐसी इस प्रकार है कि BE बढ़ाई गई DC को E पर मिलती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ हम चित्र में देखकर समझेंगे जो कि प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ हमें कहा गया कि हमने एक आकृति दी है ABCD, ठीक है, ABCD ये वाली आकृति है और BE मतलब ये जो BE जो भुजा है ये समांतर है AC के, ठीक है, BE और AC समांतर है। और इस प्रकार है कि BE बढ़ाई गई DC को E पर मिलती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE मतलब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD, ठीक है, चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब हमें यहाँ कहा गया है कि ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर ही हमें दर्शाना है। तो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले तो हम चित्र को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ जो ABC और E के बीच में हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ABC वाला त्रिभुज है और ACE, ठीक है, ये दो त्रिभुज है। तो ACE जो त्रिभुज है या ADE का ही एक भाग है, ठीक है, ADE का भाग है यहाँ पे। तो इससे हम इसको हल कर सकेंगे। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे हल चित्र के अनुसार, त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज, देखो BAC तो ये वाला है और इसी प्रकार हम लिख देंगे EAC, ठीक है, BAC ये त्रिभुज और EAC ये वाला त्रिभुज इधर वाला, तो ये है त्रिभुज EAC एक ही आधार, ठीक है, एक ही आधार, इन दोनों का आधार क्या है, इन दोनों का आधार है AC, AC से लगे हुए BAC ये वाला त्रिभुज, इसका आधार भी AC है और EAC इसका आधार भी ये है, AC आधार है इनका। तो एक ही आधार AC और समांतर रेखाओं AC और BE के बीच स्थित है, ठीक है। जब हमने ये बता दिया कि इन दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है और यह दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, जो कि समांतर रेखाएं दोनों के इसमें है, एक जैसी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे और यह एक प्रमेय है, प्रमेय के द्वारा सिद्ध करी हुई बात है। तो हम लिख देंगे इसलिए एरिया को AR लिखा हमने, एरिया BAC, ठीक है, BAC मतलब त्रिभुज BAC है, बराबर है एरिया किसके बराबर होगा, EAC, इन दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर है प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनका जो क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हमने लिख दिया कि इसलिए एरिया BAC बराबर होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, BAC का क्षेत्रफल बराबर है EAC के क्षेत्रफल के। तो यहाँ हम क्षेत्रफल भी लिख सकते थे, हम लिख सकते थे इसलिए इस स्थान इसके स्थान पर हम लिख देते थे त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज EAC का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, ठीक है, इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अब हमने लिख दिया है इसलिए क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल तो बराबर हो गए हैं,
इसलिए अब हम देखो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब यहाँ जो एक त्रिभुज है ए डी सी, ठीक है, एक और त्रिभुज कौन सा है, ए डी सी। यदि ए डी सी त्रिभुज को इन दोनों के साथ यदि जोड़ देते हैं, ठीक है, यदि इन दोनों के साथ जोड़ देंगे तो ए डी सी को इसके साथ जोड़ेंगे तो ए डी ई बन जाएगा, ठीक है, ये तो ए डी ई बन जाएगा। और ए डी सी को इस त्रिभुज ए बी सी के साथ जोड़ेंगे तो ए बी सी डी चतुर्भुज बन जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, अब त्रिभुज ए डी सी को दोनों ओर जोड़ने पर, ठीक है, अब त्रिभुज ए डी सी को दोनों तरफ जोड़ देंगे तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसा लिख दिया, बराबर। तो बराबर के इधर क्या है, त्रिभुज, बराबर के इधर त्रिभुज ई ए सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए डी सी का क्षेत्रफल दोनों तरफ जोड़ दिया है। अब हम लिखेंगे, अब देखो त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ए डी सी, तो त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी ये वाला है और त्रिभुज ए डी सी ये है, ठीक है, ए बी सी और ए डी सी दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, ए बी सी डी हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यहाँ पे हो गया है ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर है। अब यहाँ पे है ई ए सी और ए डी सी, तो यहाँ देखो चित्र में ई ए सी मतलब ये वाला त्रिभुज और ए डी सी मतलब ये, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, ये वाला और ये वाला, तो हो गया ए डी ई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर है ए डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने यही दर्शाना था, दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने दर्शा दिए हैं, हम लिख सकते हैं चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी के क्षेत्रफल के बराबर है। इस प्रकार यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ऐसा, इस प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। के बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, ए बी सी में ई मध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे एक मध्यिका ए डी है और उसका मध्य बिंदु ई है और ए बी सी एक त्रिभुज है, तो दर्शाइए कि एरिया ए आर मतलब एरिया बी ई डी, बी ई डी का एरिया बराबर होगा 1/4 एरिया ए बी सी। तो यहाँ पर हमें यह दर्शाना है, तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, हमने चित्र बना लिया, अब इसे नाम दे देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे कहा गया है कि ई मध्यिका ए डी का मध्य बिंदु, तो यहाँ पे हमें एक मध्यिका बनानी होगी ए से डी तक, तो डी एक बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हमने मध्यिका बना दी ए से डी, तो इसे नाम दे देंगे डी। और ई जो है इस मध्यिका का मध्य बिंदु है, तो मान लिया कि मध्य बिंदु यहाँ है और इसे ई नाम दे दिया हमने। तो दर्शाइए कि एरिया बी ई डी, बी ई डी मतलब बी ई डी यहाँ से बी ई डी, बी ई डी जो त्रिभुज बन रहा है इसका एरिया 1/4 एरिया ए बी सी, ए बी सी के पूरे क्षेत्रफल का 1/4 होगा, यह हमें दर्शाना है। हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए डी, ए डी एक मध्यिका है,
एडी एक मध्यिका है, त्रिभुज एबीसी की, एबीसीडी की, एबीसी त्रिभुज की मध्यिका है एडी, अतः यह त्रिभुज को, अतः त्रिभुज को दो समान त्रिभुजों में, दो समान समान क्षेत्रफल वाले, दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, त्रिभुजों में बांटती है। ठीक है, नियम होता है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर कोई मध्यिका है, मध्यिका मतलब जो मध्य में एक रेखा होगी वह, तो यदि मध्यिका होती है तो उससे वह त्रिभुज दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बढ़ जाता है। और यहाँ मध्यिका एडी है, पूरा त्रिभुज था एबीसी, तो यहाँ से जो मध्यिका बनी इससे यह दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बट गया है, तो ये त्रिभुज एबीडी और दूसरा त्रिभुज एडीसी, तो दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज है, तो दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, इसलिए त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि मध्यिका के द्वारा दो बराबर भागों में बटे हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल की जगह हम एरिया लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी एरिया लिख रखा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल ही है। एरिया ए बी डी बराबर होगा, अब देखो ये एडीसी है, ठीक है, एडीसी है, और यदि हम इसको एबीसी के रूप में लिखना चाहे तो एडीसी इसका आधा भाग है, तो एबीसी का आधा भाग है, तो हम लिख देंगे एक बटा दो एबीसी। ठीक है, एरिया लिखेंगे यहाँ पे, एरिया एक बटा दो एबीसी, तो यहाँ पे हमने जो एरिया है इसको आधा कर दिया है, एबीसी का आधा एबीडी हो जाएगा क्योंकि एबीसी को दो दो समान भागों में बांटा गया है। अब हम लिख देंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बीई एक मध्यिका हो गई यहाँ पे, ठीक है, बी से एक मध्यिका बन गई है यह, तो इस मध्यिका से दो समान त्रिभुजों में बट गया है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी में एरिया, एरिया बीईडी, बीईडी का एरिया बराबर है, ठीक है, बीईडी एरिया बराबर है एरिया बीएसी, बीएई, एरिया बीएई, ठीक है, मतलब यहाँ पर बीई मध्यिका है तो इसे दो समान त्रिभुजों में बट गए हैं, तो एरिया जो है बीईडी इसका एरिया और बीए ई के एरिया के बराबर है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ जो एरिया है बीईडी, एरिया बीईडी बराबर, अब देखो यहाँ पे तो बीएई है, यहाँ पे एरिया बीएई है, तो बीएई का जो एरिया है वह बीएई का जो एरिया हमने लिखा बीएई, तो यहाँ जो पूरा जो त्रिभुज बनता है एबीडी इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, और यदि हम बीए जो बी ए ई है बी ए ई इसका एरिया देखें तो इस पूरे त्रिभुज के एरिया का आधा है यह, तो हम यहाँ पे बी ए ई के एरिया की जगह लिख देंगे एरिया एक बट्टा दो, और बी ए ई के स्थान पर लिख देंगे ए बी डी, ठीक है, एक बट्टा दो ए बी डी हो गया। अब यहाँ पे इसके पहले हमें पता कि हमने एरिया ए बी डी का मान निकाल रखा है, ठीक है, एरिया ए बी डी का मान निकाल रखा, इसका था मान था एरिया एक बट्टा दो ए बी सी, तो इसको हमने समीकरण एक नाम नहीं दिया था, अब दे देते हैं और ऐसे ही लिख सकते हैं वैसे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार समीकरण एक से ए बी डी का मान रखने पर, तो एबीडी का मान हम यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास जो समीकरण है वह है, समीकरण है एरिया
बीई डी बराबर एक बट्टा दो एरिया ए बी डी। अब हमने यहाँ पे इस ए बी डी का मान रख देंगे तो वो हो जाएगा एरिया बीई डी, बी डी को कोष्टक में लिख दे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, बराबर एक बट्टा दो, और एरिया ए बी डी के स्थान पर हम लिख देंगे एक बट्टा दो एरिया ए बी सी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुना एक बट्टा दो एरिया ए बी सी। ठीक है, यहाँ एरिया लिख दो एरिया ए बी सी, तो एरिया बीई डी, एरिया मतलब क्षेत्रफल है, हम यहाँ एरिया ए आर के स्थान पर बी डी का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, बराबर एक बट्टा दो में एक बट्टा दो का गुणा हुआ तो हो गया एक बट्टा चार एरिया ए बी सी। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था और यह हमारा मान आ गया है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमने निकाल लिया है, तो बहुत आसान सा प्रश्न था, इसको समझ के हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने सबसे पहले तो बताया था कि एडी जो मध्यिका हिस्से या त्रिभुज दो बराबर त्रिभुजों में बटेगा और दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, और उसके बाद हमने यह भी दिखाया कि बीई भी एक मध्यिका है इसी प्रकार, तो बीई से त्रिभुज जो एबीडी है वह भी दो बराबर भागों में बट रहा है, तो इस आधार पर हमने सवाल को हल करा है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।